हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किन केयर, मतलब स्किन केयर के क्या क्या सीक्रेट्स हैं, कैसे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। बहुत ही कम और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट में देखें। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि स्टार्ट यूजिंग मॉइस्चराइजर। देखो यार, आपको स्किन के लिए मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि डोंट शेव एवरी डे। देखो यार, कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर जो एवरी डे शेव करने बैठ जाते हैं, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन भी, तो वो साइड इफेक्ट है। अगर हम तीसरे दिन भी अपनी शेव कर रहे हैं, हमारी फेस पे ब्लेड लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही उसको अवॉइड करना चाहिए, वो बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, क्योंकि उससे हमारी स्किन डैमेज बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और एक टाइम पे खाल इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा अजीब फेस दिखने लगता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप ट्रिमर लो, और 7 या 8 दिन में एक बार ट्रिमर यूज़ करो, बिकॉज ट्रिमर दिन के अंदर से आपके बाल को नहीं काटता है, तो उससे आपका स्किन ख़राब होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट शेव एवरी डे, शेव अगर करते हैं आपको आदत है तो 10 या 15 दिन में एक बार करो, अदरवाइज आप मशीन यूज़ करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये है, सनस्क्रीन ज़रूर पहननी चाहिए अगर आप कहीं जा रहे हैं। सनस्क्रीन मतलब धूप से बचने के लिए बहुत सारी ऐसी क्रीम्स आती हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि आप धूप में जाने से पहले लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी सेफ्टी रही है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि स्लीप वेल। अगर आप अच्छा नहीं सोओगे तो आपकी स्किन में फिर भी डैमेज हो सकती है, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। उसके लिए आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को सोना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने आप को आराम तो कम से कम 8 या 9 घंटे का 24 hours। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है फेस क्लिनजर। तो आपको फेस क्लिनजर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको फेस पे ज़रूर लगाना चाहिए, उससे आपकी फेस की धूल मिट्टी ये वो सब फिनिश हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस क्लिनजर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। सिक्स्थ जो हमारा पॉइंट है वो है कि डोंट यूज़ सोप, मतलब जो साबुन होता है उसको अपने फेस पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अपना फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब यू नो केमिकल, बहुत अजीब टाइप के केमिकल होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि साबुन कोशिश करो, बहुत ही ज़्यादा कोशिश करो अपने फेस पे ना लगने, तो ओनली फेस वॉश यूज़ करो, बिकॉज आपके फेस के लिए ही बना होता है। सेवन्थ जो हमारा पॉइंट है वो है स्टीम लेनी चाहिए आप 15-16 दिन में या 1 महीने में, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी फेस की जो मतलब क्लींजर का ही काम करता है अगर हम एक हिसाब से देखें तो, क्योंकि हमारे फेस की जो यू नो गंदगी है या डर्टीनेस है तो वो सब निकल जाती है, तो अपने फेस को स्टीम भी देना चाहिए। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करता रहता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी मुझसे पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।